नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक वी किरा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम 2020 जो हमारे पिछले साल की भर्ती थी फ्रेंड्स, उसका यहां पर 2021 में रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, यानी कि 26 तारीख को यहां पर रिजल्ट आउट हुआ है फ्रेंड्स, 26 मार्च को। लेकिन ये वीडियो लेट क्यों डाली गई है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ कारणवश यानी कि बिजी रहने के कारण ये वीडियो लेट डाली गई है फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पर कुछ क्लियरिटी आपको देने वाले हैं, जैसे कि रिजल्ट आउट हो चुका है, सभी ने रिजल्ट यहाँ पर देख लिया होगा और जैसा बोला था फ्रेंड्स ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, यानी कि वैकेंसी यहाँ पर बैक हुई है, वापस गई है। और कितनी गई है टोटल हम एनालिसिस के साथ साथ आपको बताने वाले हैं कितना स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाइड हुआ है। ठीक है, वैकेंसी बैक होने की वजह क्या रही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्रत्येक बच्चे यहाँ पर लाइक करके जरूर जाए और वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम आरएम की बात करते हैं, यहाँ पर आरएम में कितने बच्चे यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर यूआर के लिए बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, यहाँ पर 375 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स सभी को पता होगा कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी थी, 1248 यहाँ पर वैकेंसी थी टोटल आरओ और आरएम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कितने बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 53 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। ओबीसी में देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना ओबीसी के लिए, यदि किसी बच्चे ने अब तक भी अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो फ्रेंड्स उसके हम पीडीएफ डाल देंगे, अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी में यहाँ पर कितने 133 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या एससी में यहाँ पर कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, यहाँ पर 77 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं। और एसटी के लिए कितना, यानी कि 24 स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाइड हुआ है और एक बच्चे यहाँ पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एक बच्चे यहाँ पर जनरल का क्वालिफाइड हुआ है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए जो हम आरओ की बात करते हैं, आरओ में यहाँ पर कितने बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, 420 यहाँ पर टोटल सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हम एनालिसिस कर रहे थे, एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंकड़ा आ रहा था फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि वैकेंसी यहाँ पर बैक होने के चांस बनते हैं, यानी कि वापस जाएगी, 100% जाएगी। फ्रेंड्स ऐसा ही हुआ, यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, 1248 बच्चे यहाँ पर लिए जाने थे, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टेड कितने हुए हैं, 1083 बच्चे यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको डाउट है, डाउट तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, टोटल बच्चों का यहाँ पर आंकड़ा भी देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 1248 में से यदि आप 1083 घटाओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी यहाँ पर बैक हुई है, यानी कि वापस गई है। और ये बैक जाने की वजह क्या रही है कि बच्चे यहाँ पर इतने सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, यानी कि कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आए, इसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी बैक हुई है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो हमारी ये वैकेंसी बैक हुई है, नेक्स्ट भर्ती जो आएगी उसमें ऐड होकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिन बच्चों को यहाँ पर हुआ है तो उनके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छी हद तक यहाँ पर बधाई। और फ्रेंड्स यदि आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हो और एक्स्ट्रा भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।